पितारं कर्म भूतः ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणवर्धने। तत्वार्थ सूत्र मोक्षास्त्र प्रणाम, इसके तीसरे अध्याय को भी अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। पहला सूत्र अपन ने किया था अपन ने, फिर पढ़ता हूं मैं, देखो। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभाव भूमियो घनाम्बु वात आकाश प्रतिष्ठा सप्ता दोध। अब इसमें क्या बात बताई थी, ये सात तो भूमिया हैं। कौन कौन सी भूमिया? सात भूमि के नाम याद हुए क्या है बताओ? हाँ, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तम और महातम, ये सात भूमियों के नाम है। ये नाम क्यों दिए इनके है? हाँ, इन भूमियों की प्रभा के आधार से इनके ये नाम दिए गए। जिस भूमि की प्रभा रत्नों जैसी है उस भूमि का नाम क्या है? रत्न प्रभा। जिस भूमि की प्रभा शक्कर की जैसी है तो शर्कर प्रभा। जिस भूमि की प्रभा बालू रेत के समान है वो बालू का प्रभाव है। ऐसे धूम पंक रत्न शर्करा बालू का पंक, पंक माने कीचड़ की जैसी प्रभाव है, धुएं जैसी प्रभाव है, अंधकार जैसी प्रभाव है, महा अंधकार जैसी जिसकी प्रभाव है, ऐसे सात भूमियों के नाम है। ये सात भूमियां किसके आधार से? ये तीन वात वाले के आधार से, माने सात भूमियां सबसे पहले घनोदधि वात वाले के आधार से, घनोदधि वात वाले घन वात वलय के आधार से, और घन वात वलय तनु वात वलय के आधार से, और तनु वात वलय आकाश के आधार से, और आकाश किसके आधार से? आकाश स्वयं अपने आधार से, और ये सब एक के नीचे एक है। और ये एक के नीचे एक है बताने का ये भी एक ही है, ऐसे एक जैसी नहीं, मतलब इनके बीच में अंतराल है। एक एक राज्य का इन भूमियों के बीच में अंतराल है, ऐसे ये एक एक राज्य के अंतराल से ये एक के नीचे एक ऐसी कितनी भूमियां हैं? ये सात। ये सात भूमियों की चर्चा यहां क्यों की? क्योंकि यहां अभी नारकियों का आवास स्थान बतलाना है, नारकियों का आधार बतला रहे हैं कि नारकियों की आधार कहाँ, नारकी रहते कहाँ है। कोई भी व्यक्ति की चर्चा चलेगी तो हम पूछेंगे ना रहते कहाँ हो, जैसे नारकियों की चर्चा चलेगी कि नारकी होते हैं तो कोई भी पूछेगा ना कि नारकी रहते कहाँ हैं, तो नारकियों के रहने की आधारभूत ये पृथ्वियाँ हैं, इसलिए इन पृथ्वियों की चर्चा यहाँ पर की। क्योंकि जब तक हम विशेष नहीं जानते तब तक हमारा श्रद्धान दृढ़ नहीं होता। सामान्य रूप में हम बात कर लेते हैं कि हाँ भैया नरक भी होती है, देवगति भी है, लेकिन जब हम उन नरक के विशेष आधार स्थानों को और उन नरक की पूरी डिटेल को जानते हैं तब हमें नरक के बारे में श्रद्धान दृढ़ होता है, नहीं तो हमें नरक के बारे में कोई श्रद्धान नहीं पक्का कि हाँ नरक भी कोई जगह है। क्योंकि लोग कहते कहाँ है, दिखती तो है नहीं, अब मरने के बाद देखेंगे क्या जो होएगा सो तभी देखेंगे, तो वो होने के बाद क्या देखोगे, तब तो पहुँच ही जाओगे ना, वो वहाँ नहीं पहुँचो, इसके पहले तो जानना है ये। तो लोग पूछते कहाँ है अच्छा, तो उनके लिए साहब बड़ी बात बता रहे हैं, क्योंकि इसका विस्तार से निरूपण करने से उस बात की श्रद्धा जमती है। सामान्य से विशेष बलवान होता है, सामान्य में बात कर दो एक यहाँ स्वर्ग नरक है और अपन रात दिन स्वर्ग नरक की पटलों की और इसकी चर्चा करके पूरा स्वरूप समझो कि कहाँ है,
इनके आधारभूत पृथ्वियां कहाँ हैं, कैसी है, तो उसका श्रद्धांत क्या होता है, जड़ होता है। देखो इसमें से पढ़ता हूँ मैं, किसमें से पढ़े अपने, इसमें से किसमें से पढ़ा था पिछली बार, याद है किसी को? इसमें से पढ़ चुके अपन, इनकी पृथ्वियों की मैंने मोटाई भी बताई थी। बताओ ये पृथ्वियों की मोटाई कितनी है, याद है किसी को? सातवीं पृथ्वी की मोटाई कितनी है? 8000 योजन मोटी है, और उसके ऊपर 4000 बढ़ाते जाओ, फिर 8000 के बाद सही सॉरी सातवीं की 8000 और छठी की 16000, फिर बस 4000 बढ़ाते जाओ, 16000 के बाद पांचवी की 20000, चौथी की 24000, तीसरी की 28000, दूसरी की 32000, और पहली की होनी चाहिए 36000, लेकिन पहली बहुत मोटी है, पहली अलग है एकदम, पहली एक्सेप्शन है और सातवीं एक्सेप्शन है। पहली 1,80,000 योजन मोटी पृथ्वी, उसके फिर तीन भाग है, कौन कौन से? खर भाग, पंख भाग और अवबहुल भाग। तो खर और पंख भाग में तो भवनवासी और यंत्रों के भवन हैं, और अवबहुल भाग में नारकियों के बिल है। अवबहुल भाग कितना मोटा है? 80,000 योजन मोटा। तो 80,000 योजन मोटे अवबहुल भाग में नारकियों के बिल है। ऐसे ये सात भूमियां हैं और इन सात भूमियों के मध्य में नारकी रहते हैं। ये जितनी पृथ्वियों की मोटाई है उसके ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़ दो, बीच की जो मोटाई है उसमें नारकियों के बिल है, क्योंकि पृथ्वी 1,000 योजन मोटी ऊपर, 1,000 योजन मोटी नीचे, और बीच की जो जगह बची पोल उसमें नारकियों के बिल बने हुए हैं। मैंने 80,000 योजन की जैसे पहली पृथ्वी का अवबहुल भाग है, तो 80,000 योजन में 1,000 योजन ऊपर छोड़ दो, 1,000 योजन नीचे छोड़ दो, बचा कितना? 78,000 योजन। उस 78,000 योजन की पोल में इन नारकियों के बिल है, पोल जैसे खाली जगह ना, तो इसमें बिल बना दिया जाए, जैसे जमीन के अंदर पोल कर करके बिल बनाते ना सांप वगैरह, ऐसे इनके भी उन पोलों में बिल बने हुए हैं। वो बिलों की संख्या कितनी है, वो बिल कितने हैं, उसके लिए अगला सूत्र देखो, अगला सूत्र पढ़ते हैं। यहां तक कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। पाथड़े उतने कितने कितने हैं, मंजिलें हैं इनकी एक के नीचे, जैसे पहले नरक में 13 पाथड़े हैं, फिर दो दो घटते हुए, पहले नरक में 13, दूसरे नरक में 11, ऐसे घटते हुए, तीसरे नरक में 9, चौथे नरक में 7, पांचवे में, तीसरे में, छठे में, पांचवे में 5, छठे में, सातवें में 1, ऐसे 5 है। कुल कितने हो गए, कुल कितने हो गए, गणित आता है? 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, इनको जोड़ो 49 निकलेंगे, कितने निकलेंगे? 49। ऐसे कुल कितने पाथड़े इनके? 49। ऐसे स्वर्ग के अंदर देवों के पटल होते हैं, उनके स्वर्गों के अंदर देवों के पटल है 63, क्या एक के ऊपर एक, ऐसे इनके देवों के विमान है, जैसे नारकियों के एक के नीचे एक पाटले पाथड़े हैं, ऐसे उनके एक के ऊपर एक क्या है, पटल है। तो ये पाथड़े कुल कितने? 49 एक के नीचे, और सबकी अलग अलग व्यवस्था है, माने ये अपने अपने पाथड़ों में अलग अलग, और अपन भेद कर सकते हैं, जैसे पहला नरक अलग और उस पहले नरक के 13 पाथड़े और अलग अलग, और हर एक की आयु, जैसे पहले पाथड़े की जो जगत उत्कृष्ट आयु है वो दूसरे पाथड़े की जगन आयु है, पहले पाथड़े की जो उत्कृष्ट ऊंचाई है वो दूसरे पाथड़े की, नहीं नहीं पहले पाथड़े की जो जघन्य ऊंचाई है, जो जघन्य ऊंचाई है, देखो नहीं आयु तो नीचे नीचे जाएंगे तो शरीर जो है बढ़ता जाता है, शरीर बढ़ता जाता है, तो पहले का जो उत्कृष्ट होगा वो दूसरे का क्या होगा, जघन्य। हाइट भी बढ़ रही है, आयु भी बढ़ रही है, हाइट बढ़ना कोई अच्छी चीज नहीं है, हाइट बढ़ती है नीचे नीचे की, अभी आएगा सब आ जाएगा इसमें, हाइट तो छोड़ दो अभी, आप बढ़ती घटती जो भी है, लेकिन आयु जो है जैसे जैसे नीचे के पाथड़े में जाएंगे तो
आयु उनकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ऊपर की उत्कृष्ट, नीचे की जघन्य, नीचे की जघन्य, ऊपर वाले की उत्कृष्ट, एक समय का अंतर है, उसको गौण कर दो। और एक एक पाथरों की वेदना भी अलग अलग है। जैसे पहले नरक में सम्यक दृष्टि से जाते ना, तो पहले नरक के भी सारे पाथरों में नहीं जाते, तो पहले नरक के पहले पाथड़े में जाएंगे, उसके नीचे के पाथड़े में नहीं जाएंगे। श्रेणी के राजा कहाँ है अभी, पहले पाथड़े में। पहले पाथड़े की जैसे 90,000 होती आयु मैक्सिमम, दूसरे की फिर 9,00,000 होती है, फिर तीसरे की 9,00,000, और फिर एक सागर का 10वां भाग, फिर एक सागर का 9वां भाग, एक सागर का 10वां भाग, फिर दो सागर का 10वां भाग, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, ऐसे 6, 7, 8, 9, 10/10, ऐसे 1/10, 1/10 सागर बढ़ती जाती है। मतलब 13 पाथड़े ना, तो शुरू के 3 पाथड़ों को छोड़ दो, बाकी के 10 पाथड़ों में 1/10 1/10 बढ़ गई, तो 1/10 मिलके 10 पाथड़ों के 1/10 बढ़ा दो, तो कितनी हो गई, एक सागर हो गई ना। और शुरू के जो 3 पाथड़े हैं, तो पहले पाथड़े में 10,000 वर्ष है, 90,000 वर्ष मैक्सिमम, फिर 9,00,000 है, फिर 9,00,000 या असंख्यात वर्ष ऐसी आई है। इस तरह से पहले में ही चले जाए, फंस जाए आदमी, तो 90,000 मैक्सिमम, दूसरे में जाएगा तो कम से कम उसको 90,000 मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती, 10,000 वर्ष और एक सागर। ये बताई थी ना अपन ने, पहले नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है, और पहले नरक की उत्कृष्ट आयु एक सागर है। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु एक सागर, दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु 3 सागर, तीसरे की 7 सागर, चौथे की 10 सागर, पांचवे की 17 सागर, छठे की 22 सागर, सातवें की 33 सागर, 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33। ये सूत्र नंबर देखो, सूत्र नंबर 6, सूत्र नंबर 6 में दिया है इसे। तेषु एक त्री सप्त दस सप्तदश द्वाविंशति त्रयंत्रिश त्रयंत्रिशत सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति, सब दिया है। 1, 3, 7, 10, 17 द्वाविंशति 22 त्रयंत्रिशत त्रयंत्रिशत त्रय और त्रिंशत, त्रय माने 3 और त्रिंशत माने 30, 30 और 3 33 त्रयंत्रिशत सागरोपमा सागरोपम सत्वानाम माने जीवों की, परा माने उत्कृष्ट स्थिति है। ठीक है, ये भी आएगा छठे में, दूसरा सूत्र निकालो आप। इन्हें बिल कितने कितने, एक एक पाथड़े में, एक एक नरक में बिल कितने हैं, उन बिलों की संख्या दिए दूसरे सूत्र में। तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दस त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथा क्रमम। पढ़ो, तासु माने उनमें, किन में, जिन नरकों की हमने पहले सूत्र में बात करी उन नरकों में, त्रिंशत माने 30, पंचविंशति माने 25, पंचदश माने 15, दस त्रि माने 3, पंचो पंच पंच ऊन एक पांच कम एक नरक सत सहस्राणी, सत माने 100, सहस्त्र माने 1,000, 100,000 माने 1,00,000, और आखिरी में पंच च एव माने और ही, यथाक्रम माने यथाक्रम से। इतने इनमें क्या होते हैं, बिल होते हैं, माने इस क्रम से बिल होते हैं। पहले नरक में कितने बिल हो गए, त्रिंशत सत सहस्त्राणी, त्रिंशत माने 30, सत सहस्त्राणी माने 100,000, 30, 100,000 माने 30,00,000। पहले नरक में कितने बिल हो गए,
तीस लाख, दूसरे में पंचविंशति, विंशति माने बीस, पंच माने पांच और जोड़ दो तो पंचविंशति कितने हो गए 25, तो दूसरे तरह के कितने मिले 25 लाख, तीसरे में कितने, तीसरे में पंचदश, पंचदश माने पंच माने पांच, दस माने दस, तो पांच और दस मिले कितने हो गए 15, 15 लाख, चौथे में 10, पांचवे में 3, छठे में 5, नहीं नहीं एक चलो ठीक पंचोन एक 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 मिनट, 30 3 4 5 6 के चक्कर हो गया है, हाँ बड़ा बड़ा है ना, सॉरी पांच आखिरी में दिया था, छठी पंचोन पंच ऊन वही तो बताया है, पंच ऊन एक, पांच कम एक क्या लाख, छठी में कितने हो गए 5 कम 1 लाख, और सातवीं में 5, केवल 5, सातवीं में केवल 5 ही बिल है, सबसे कम बिल सातवीं में, सबसे कम जीव भी वही है लेकिन सबसे खतरनाक, वहां जाने के लिए बहुत बहुत ताकत चाहिए सातवें में जाने के लिए, सबसे ज्यादा जीव का है पेले में, पेले में बहुत भरती भयंकर बड़े बड़े पेले में, क्योंकि इतना पाप भी तो करे आदमी, कितना करे पाप भी, नीचे नीचे जाने के लिए ज्यादा ज्यादा पुरुषार्थ चाहिए, जैसे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाने के लिए ऊपर ज्यादा पुरुषार्थ चाहिए, ज्यादातर रोज लोग सब नहीं है बीच में, जैसे जैसे नीचे जाएंगे कम होते जाते चाहिए, बीच के रेंज में बहुत सारे आ जाते हैं, क्या तो ऐसी की क्वेश्चन है ना, नहीं बता दूंगा उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एक मतलब पांचों नरक तक जा सकते हैं, पर आप वो सब छोड़ो, अपने को पांचों तक जा सकते हो, फिर पांचों से ज्यादा नहीं जा सकते हो, भाव वो मगरमच्छ महामत्स तंदुर मत्स एक भी मछली नहीं खाता है और सातवें में चले जाता है, तंदुल मत्स पूरे जीवन में एक भी जीव नहीं खाता है, केवल ये भाव करता है वो, कान में पलता है वो, और कान में पल के वो देख देख के भाव करता है कि यदि मैं इसकी जगह होता तो सब खा जाता, और एक भी बिना खाए वो सातवें चले जाता है, यहाँ आदमी कितनी हिंसा करके भी पांचवें से नीचे नहीं जा सकता, चाहे वो कैसे ही जेहाद वाला हो, हिरोशिमा नागासाकी पे भी जिसने बम गिराया वो भी पांचवें नरक से नीचे नहीं गया, मछली महामत्स तंदुल वो भी सातवें चले जाता है, महामत्स खाता है खा के जाता है, बिना खाए भी सातवें चले जाता है ना, बात तो उसकी है, खाने वाला जाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिना खाए सातवें पहुंच गया हो, खाई एक भी नहीं और खाने के भाव करते रहा कि मैं होता तो सब खा जाता, उन भावों से कहाँ गया वो सातवें नरक, यहाँ जिंदगी कितनी रहती है, यहाँ अपनी जिंदगी कितनी रहेगी, 100 साल की कितनी टेंशन करता आदमी, मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं हो जाएगा मेरा क्या होगा, किसी की शादी हो उसमें टेंशन, किसी को अपना करियर चूज करना हो उसमें टेंशन, किसी को नौकरी चाहिए उसमें टेंशन, टेंशन ही टेंशन में जी रहे आदमी, जबकि कोई जिंदगी जरा सी छोटी सी है, और जहाँ इतने लंबे काल जीना है उसकी कोई टेंशन ही नहीं हो सकती, कैसा बुद्धिहीन है ना आदमी, यहाँ की कितनी चिंता है आदमी को, हर आदमी परेशान है सुबह शाम, कोई को ये चिंता नहीं है कि अगले भाव में क्या होगा, सबको यही चिंता है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ की तो कोई बात ही मत करो तुम, यहाँ तो तुम पुण्य का उदय लेके आए खूब अच्छा, अब हो गया जो भी हो गया, जिंदगी जी ली बहुत अच्छे से, और आगे की बात करो, लेकिन नहीं तो कोई कितने ही पाप करें या कैसे भाव करें, यहाँ अभी के आदमी में किसी में ऐसी ताकत नहीं कि पांचवें से नीचे चले जाए, कितने ही पाप करे तो भी ऐसे भाव इतने खोटे नहीं होंगे, उसे स्वर्ग तो 12वें तक जा सकते, क्या ऐसा है यहाँ पे नरक के अंदर बिल होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे कोई पानी का टंकी समझ लो अंदर जमीन में गाड़ दो, इस तरह के इनके बिल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं छोटे नहीं, एक एक बिल असंख्यात योजन के होते हैं,
आज की अपनी पूरी दुनिया भी कहीं नहीं लगे, इतने बड़े बड़े बिल होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बिल बहुत गंदे और बहुत ही अपवित्र, मतलब सभी अंधकार पैदा होते हैं, तो छत पे पैदा होने के स्थान जो पैदा होते हैं वो मधुमक्खी के छत्ते जैसे होते हैं, बाकी बिल तो बड़े बड़े होते हैं इनके, लेकिन अंधकार होता है उन बिलों में, वहाँ दुर्गंध होती है, वहाँ गर्मी सर्दी लगती है, ऐसे भयंकर दुखदायी वातावरण होता है जिसका कोई विचार भी कर ले तो सपने में भी मर जाए वो, ऐसे भयंकर वहाँ की मिट्टी इतनी दुर्गंधित होती है, उसका एक कण भी आ जाए तो उसकी दुर्गंध से सैकड़ों कोस के जीव मर जाए, वहाँ के आदमी देखने में इतने मजे भयंकर लगते हैं कि देखते ही मर जाए, यहाँ का आदमी पहलवान भी हो ना सपने में देख ले मर जाए। और वहाँ की मिट्टी इतनी खाने में सी जहर सही होती है, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, ठंड गर्मी खूब रहती, सब आएगा वर्णन, नरक का कुछ भी अच्छा नहीं। क्या नहीं अंधकार, बिलों में अंधकार, पृथ्वी की अच्छी प्रभा है, पृथ्वी बाहर बाहर है, अंदर बिल तो अंधकार में है, बिलों में थोड़ी नहीं, बिल तो सब बेकार है, दिखते थोड़ा इतना अंधकार में भी देखते थे ना ऐसा, और फिर भी थोड़ी बहुत तो रत्नों की प्रभा है ही खेल उस भूमि की, एकदम जैसा अंधकार नीचे सातवीं में वैसा नहीं, और इतना दिखते हैं तो क्या कुत्ते को अंधेरे में दिखता है, दिखता है कुत्ते को चूहा दिख जाता है अंधेरे में, नारकियों को अंधेरे में दिख जाता है, आंखों की ऐसी शक्ति होती ना पकड़ लेते फड़ाक, बहुत भयंकर रूप से, मतलब ये कुत्ते जो आपस में एक दूसरे को पीड़ा नहीं दे सकते हैं उससे ज्यादा पीड़ा देते हैं एक दूसरे को, देखते ही टूट पड़ते हैं उसको, जानवर भी नहीं, जानवरों की भी तुलना देना उनको बहुत कम है, क्या मैंने जानवरों की इज्जत जो है कम करना है बेचारे, क्योंकि तिरंचों की इज्जत तो फिर भी बहुत अच्छी है, मतलब उनकी तिरंच ऐसा इतना गुस्सा नहीं करेंगे, तिरंच को इतनी कषाय नहीं होगी जितनी कषाय इनको होती है, नींद हराम हो जाती इनकी देख के एक दूसरे को, स्थिति खराब है। नहीं नहीं केवल पहली पृथ्वी में देव खर और पंख, पहली पृथ्वी के तीन भाग है, बाकी छह पृथ्वी के तो कोई भाग ही नहीं है ना, छह पृथ्वी में तो केवल पृथ्वी ही है, और उन पृथ्वियों में हर एक के अंदर ऊपर और नीचे का एक एक हजार योजन तो छोड़ नहीं है, क्या बीच के अंदर है जो भी, सातवीं पृथ्वी में तो शायद और भी ज्यादा छोड़ना पड़ेगा, सातवीं पृथ्वी में तो और कम जगह पे 3999 सही 1/3, 3999 सही 1/3 ऐसे दोनों जगह छोड़नी है, केवल 2/3 में 1/3 में वो रहते हैं बस, 1/3 योजन है, एक केंद्र तो सभी जगह ना बादल छोटा ही, हाँ तो वो सातवें नरक में तो और कम जगह, बाकी 6, 5, 4, 3, 2 इनमें जगह ज़्यादा है, और केवल पहली पृथ्वी के तीन भाग है, तो तीनों भाग अलग अलग एकदम सेपरेट है, उनके खर भाग खर और पंख भाग में देव रहते हैं, अवबहुल भाग में नारकी रहते हैं, लेकिन अवबहुल भाग का जो 80,000 योजन का हिस्सा है उसमें 1,000 योजन छोड़ के बीच का 78,000 योजन, समझ में आ रही है बात, अरे 80,000 योजन का जो अवबहुल भाग है उसके 1,000 योजन ऊपर छोड़ो, 1,000 योजन नीचे की पृथ्वी छोड़ दो, बीच के 78,000 योजन में नारकियों के निवास है ऐसा, और ऊपर खर और पंख भाग में तो प्योर देवों के भवन बने हुए हैं, वहां तो कोई ये जा भी नहीं सकते वहां, तो इनमें इतने बिल है, सबसे ज्यादा बिल किसमें पहले नरक में कितने 30, दूसरे में 25, तीसरे में 15, चौथे में 10, पांचवे में 3, छठे में 1,00,000 समझ लो, 5 कम को गुण कर दो है ना, और सातवें में 5 मैंने वो जो 5 बच्चे से वो सातवें में हो, तो जोड़ो इसको 30, 25, 55, 15, 70, 10, 80, 3, 83 और 1, 84 कितने बिले कुल इनके 84,00,000 बिले, हाँ जितनी योनियाँ उतनी बिले 84,00,000 बिले है, 84,00,000 कुछ बिल जो है
संख्यात योजन के हैं उनमें संख्यात नारकी निवास करते हैं, जो बिल असंख्यात योजन के हैं उनमें असंख्यात नारकी निवास करते हैं। बिल भी ऐसे तीन प्रकार के होते हैं इनके, एक मध्य में होता है वो कहते हैं, उसको कहते हैं अपन इंद्रक बिल, चारों दिशाओं में होते हैं उनको कहते हैं श्रेणीबद्ध बिल, और जो कहीं भी इधर उधर कहीं भी फैले हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं प्रकीर्णक बिल। ऐसे तीन प्रकार के बिल हैं। खर पंख भाग में हो, नारकियों के वहां कोई चैत्यालय नहीं है, खर और पंख भाग जब भवनवासी और यंत्रों के भवन है तो जितने भवनवासियों के भवन है उतने ही अकृत्रिम चैत्यालय है, क्योंकि एक एक भवन में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय, 7,72,00,000 भवनवासियों के भवन है और हर एक भवन में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय, इसलिए उतने ही चैत्यालय एक ही है। नहीं, देव तो असंख्यात रहते हैं जो असंख्यात योजन के हैं, भवन दोनों तरह के होते हैं, संख्यात योजन के और असंख्यात योजन के, जो संख्यात योजन के भवन होते हैं उनमें संख्यात रहते हैं, जो असंख्यात योजन के भवन है उनमें असंख्यात देव निवास करते हैं। ये भवनों की संख्या है तो गिनती, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, भवन तो गिनती के हैं लेकिन भवनों का जो नाप है वो असंख्यात योजन का है, भवन का जो विस्तार है वह असंख्यात योजन का, असंख्यात योजन लंबे चौड़े भवन है, भवन कहने के नाम के भवन है, पूरी दुनिया आ जाए उस एक भवन में तो भी संख्यात ही हुई, और वो असंख्यात योजन के माने यहाँ से स्वयंभू रमण समुद्र का तो इतना तो नहीं खैर, लेकिन बहुत लंबे लंबे भवन है, असंख्यात द्वीप समुद्र फैल जाए उस आ जाए उसमें, इतना बड़ा एक ही भवन है, क्योंकि विस्तार बहुत है ना, एक राजू बाई एक राजू के क्षेत्र में पूरा त्रस नाड़ी का जो क्षेत्र है उसमें पूरे में भवन फैले हुए, एक राजू बाई एक राजू चौड़ी, एक राजू और एक राजू मोटी, छोड़ ही बता मोटे ही बता दी सबकी, मोटे ही बिल्कुल फिक्स है, मोटे ही जैसे खर भाग है तो उसमें कितनी है उसकी 16,000 योजन, पंख भाग है वो 84,000 योजन का है, तो 16,000 योजन मोटा है, और लंबा चौड़ा कितना है, एक राजू बाई एक राजू, एक बाई एक राजू एरिया है, और जो ऊंचाई है वो 16,000 योजन की, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, थोड़ा बहुत साइंस से सब जितनी भी आकृतिम रचना होती है सब बड़ी योजन से नापी जाती है, ये नियम याद रखना, तीन लोक की सारी रचनाएं बड़े योजन से नापी जाती है, एक योजन माने 8,000 मील, एक योजन माने 8,000, पूरी दुनिया आ जाएगी आज यहाँ से समझ लो अमेरिका इतना है तो एक योजन हुआ, वैसे हजारों योजन बड़े बड़े उनके बिल है, हजारों हजार योजन, लाखों करोड़ अरबों योजन, वो भी संख्या है। हाँ, तो एक राजू बाई एक राजू के इनके क्षेत्र में, एक राजू बाई एक राजू इनका एरिया है, और ऊंचाई जो है खर भाग की 16,000 और पंख भाग की 84,000, और नारकियों के बिल भी एक बाई एक राजू में, एक राजू लंबे एक राजू चौड़े, समझ में आ रहा है, और ऊंचे इतने हैं, सिलेंडर देखा गया तो सिलेंडर में लंबाई और चौड़ाई होती है ना एक सड़ी की, और ऊंचाई अलग होती है, क्या कहाँ, हाँ बस इतनी ऊंचाई है, ये एक बाय एक राजू लंबा एक राजू, चौड़ाई में तो बहुत है ये पीछे, हाँ जो क्यूब है समझ लो वैसा क्यूब जैसा, एक बाय एक राजू लंबा चौड़ा और उसकी ऊंचाई अलग अलग है सब जगह, मोटा ही मतलब मोटा ही सब जगह पृथ्वी की अलग अलग होगी, लेकिन जो पृथ्वी है वो एक्चुअली पृथ्वी तो पूरी 7 राज्यों की है लंबी चौड़ी, 7 राज्यों चौड़ अंदर तक है, और चौड़ाई में कहीं 6 है कहीं 5 है कहीं 4 है कहीं 3 है कहीं 2 है कहीं 1 राज्य, मध्य लोक की पृथ्वी 1 राज्य ही है, और नीचे चौड़ाई बढ़ती जाती है, गहराई सबकी 7 राज्य है और मोटे ही सबके अलग अलग, उनमें बिल कितने हैं देख लो, अभी तो बिल कितने बिल है, अब कौन से बिल में जाना है देख लो, देखो उन रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों में नरकों की संख्या इस प्रकार है,
पहली पृथ्वी के अवबहुल भाग में 30 लाख, दूसरी पृथ्वी में 25 लाख, तीसरी पृथ्वी में 15 लाख, चौथी में 10 लाख, पांचवी पृथ्वी में 3 लाख, छठी में 5 कम 1 लाख और सातवीं में 5 नरक अर्थात बिल है। विशेषार्थ, जैसे पृथ्वी में गड्ढे होते हैं वैसे नारकियों के बिल होते हैं, अंदर रहते हैं पृथ्वी के अंदर घुस के, पर अंदर पृथ्वी में घुस के रहना कोई अच्छा लगता है क्या? गड्ढे में उतार के आपको रहने देना है बहुत दिनों तक, बाहर ही निकल के आ पाए, गड्ढे में रहना बहुत बेकार लगता है। कभी किसी को गड्ढे में उतार दो और गड्ढे में क्यों, क्यों गड्ढे में रहना तेरे को? देखो एक योजन कितना बड़ा है, एक योजन कितना बड़ा है, 8000 मील, तो कितने मील खोद सकते हो आप, कितने मील खोद सकते हो? 8000 मील खोदने में तो मर ही जाएगा आदमी। एक मील नहीं खोद रहा, एक मील खोदना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। 100 मीटर खोदने में तो 100 मीटर छोड़ो, ये जब बोरिंग होता है ना, बोरिंग कितने, बोरिंग कितना गहरा होता है, 500 फीट, 600 फीट, 600 फीट में कितने मीटर आ जाता है, 2.5 फुट का 200-250 मीटर है, हाँ तो 200 मीटर में आ गया पानी, 200 मीटर में तो ये हालत हो रही है, और 2000 मीटर कर लो तो 2 किलोमीटर हो गए, 10 गुना कर लो तो 2 किलोमीटर में बहुत कुछ हो जाता है, पानी आ जाता है 2 किलोमीटर के नीचे, और कितने नीचे जाओगे? आज का विज्ञान कितने नीचे, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 किलोमीटर नीचे जा रहा है, बस 6 किलोमीटर नीचे तो वो फिर हालत खराब, तो 6 अपने को कितने जाना है, 8000 मील, 12000 किलोमीटर, 12000 किलोमीटर तो एक ही योजन हुआ, इसे 1 लाख योजन नीचे जाना है, 12 करोड़ मील नीचे, तो 12 करोड़ मील कौन जाएगा? वो दुनिया के लिए जो भी है 12 करोड़ मील में तो हो जाएगा उद्धार, यदि कोई समुद्र भी हो ना, तो समुद्र में अपन डूबने लग जाओ समझ लो, मरो नहीं तो मरो और नहीं और तो भी नीचे नीचे जाओ तो भी 12 करोड़ मील नीचे जाने में अपनी पूरी जिंदगी भी हो जाए तो भी नीचे नहीं जा सकते। हर समय हर सेकंड में 1-1 किलोमीटर भी नीचे डूब जाए, 1-1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1 सेकंड में कोई डूब नहीं सकता, 1 किलोमीटर 1 सेकंड में कोई जा रहा है क्या? तो भी नहीं पहुंच सकता था, इतने करोड़ किलोमीटर बहुत बड़े बड़े विस्तार है, इसलिए पृथ्वी खोजने की कोई कोशिश करने का कोई मतलब ही नहीं, नरक निकलने नहीं वाले, ऐसे अपनी जिंदगी पूरी हो जाएगी और वहाँ यूँ ही पहुँच जाएंगे बिना खोदे क्या। इसलिए इससे अच्छा है कि वहाँ जाने की क्यों, वहाँ देखने की क्या चिंता करो कि वहाँ क्या है, क्या केवल ज्ञान होने पर सब दिख जाएगा, खोदने से नहीं मिलने वाला। ये तो बात की तो थी मैंने एक बार, कभी पहले नहीं की थी, नरक खोदने से नहीं मिलते, स्वर्ग ऊपर जाने से नहीं मिलते, और ये चौड़ाई के अंदर इधर उधर जाने से कोई स्वयं रमन समुद्र नहीं आ जाता है, बहुत बड़ी बड़ी रचना है, ये भी छोटी छोटी बच्चों की बातें थी कि स्कूल के अंदर पढ़ा दे बेटा इतने नीचे खोद लेना तो नरक आ जाए, और टीचर ही चली जाएगी नरक ऐसे। कुछ बिल संख्यात योजन और कुछ असंख्यात योजन लंबे चौड़े हैं। पहले नरक की पृथ्वी में कितने पटल हैं? 13 पटल है, और नीचे नीचे प्रत्येक पृथ्वी में 2-2 पटल कम होते गए, अर्थात दूसरी में 11, तीसरी में 9, चौथी में 7, पांचवी में 5, छठी में 3 और सातवीं में 1 ही पटल है। इस तरह कुल पृथ्वियों में कितने पटल है? 49 पटल है, जो नीचे नीचे। उन पटलों में इंद्र, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक इस तरह 3 प्रकार के बिल होते हैं। प्रत्येक पटल के बीच में जो बिल है उसे क्या कहते हैं? इंद्रक बिल कहते हैं, और उस इंद्रक बिल की चारों दिशाओं और दिशाओं में जो पंक्तिवार बिल है वे श्रेणीबद्ध कहे जाते हैं। मैंने चारों दिशाएं होती ना, जैसे अपने एक चौराया है और चारों दिशाओं में जो रोडे हैं उन रोडों पे जो बिल है, और रोड के अलावा जो डायगोनल भी है, जो दो रोड के बीच में जो विदिशाएं हैं उन विदिशाओं में भी जो बिल है उनके नाम भी क्या है? श्रेणीबद्ध। प्रत्येक पटल के बीच में जो बिल है उसे इंद्रक बिल कहते हैं, ये हो गया। उस इंद्रक बिल की चारों दिशा और विदिशाओं में जो पंक्तिवार बिल है वे श्रेणीबद्ध कहे जाते हैं, और दिशा विदिशाओं के अंतराल के बिना क्रम से जो बिल है, दिशा विदिशाओं के अंतराल के बिना क्रम के बिना
ये जो बिल है बीच बीच में फैले हुए उनको क्या कहते हैं? प्रकीर्णक कहते हैं। पटल मतलब मंजिल, पाथड़े जिसको अपन पाथड़े कहते हैं, फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, लेकिन इनके बीच में कोई लिफ्ट नहीं लगी ऐसी कि पहली फ्लोर वाला नारकी के चलो नीचे देख के आओ क्या। ये सब फ्लोर अलग अलग है सेपरेट एकदम। एक नारकी का जो बिल है वो दूसरे नरक के बिल में नहीं जा सकता, जैसे बिल में कोई छेद नहीं है जो छेद करके घुस जाए, सब सब बिल अलग अलग है। वज्र के बने हुए चारों ओर वज्र के हैं, इनकी जो दीवारें हैं वो वज्र माने बहुत कठोर धातु की है, उसको छेद के कोई बाहर नहीं निकल सकता, अंदर ही अंदर मरते रहते हैं। जैसे कोई होता है ना चारों ओर से कोई बीज हो, वो बीज आग लग गई हो बीज में, चारों ओर से आग लग रही हो और बीज के अंदर कोई प्राणी कोई कीड़ा हो तो कैसा तड़पता है, तड़प तड़प के मरता है। ठीक है, ऐसी स्थिति ना, क्योंकि चारों ओर से अग्नि लग रही है, मैंने भयंकर गर्म वातावरण, कहीं नहीं जा सकते, मरो वहीं वहीं, मतलब मरो मतलब वहीं जन्म वहीं दुख भो, कहीं जाने की जगह भग के कहीं चले जाओ, कहीं जा सकता हो। जो जिस बिल में उसी बिल में जिसमें पैदा होता है जिंदगी भर उसी बिल में रहता है, ये जाने आने की भी इनके पास बिल्कुल ट्रेवलिंग का कुछ नहीं है कि चलो अब प्लान करो इस गर्मी के अंदर, बहुत गर्मी पड़ रही है तो कहीं घूमने का प्लान कर लो क्या, भवनवासियों के भवन ही देख आओ और कुछ नहीं, तो बहुत पास में ही ऊपर ही तो है यहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है वहां। प्रथम पटल की चारों दिशाओं में 49 और विदिशाओं में 48 श्रेणीबद्ध बिल है। क्या है? दिशाओं में कितने हैं? 49 और विदिशाओं में 48। आगे नीचे नीचे प्रत्येक पटल की चारों दिशाओं में और चारों विदिशाओं में एक एक बिल घटता जाता है। इस तरह प्रत्येक पटल में 8-8 बिल घटते जाते हैं, घटते घटते सातवें नरक के पटल में जो कि 49वां पटल है केवल दिशाओं में एक एक बिल है, विदिशाओं में बिल नहीं है, अतः वहां 5 ही बिल है। समझ में आया कैसे ये? पहले नरक में बीच में चार दिशाओं में चार, चार विदिशाओं में चार, कुल कितने हो गए? 9 हो गए। फिर दूसरे पाथड़े में गए तो सॉरी उल्टा बोला, हाँ चार दिशाओं में इतने कम ज्यादा होता है ना, उन्होंने प्रत्येक पटल में 8 एक एक बिल घटते जा रहा है। 49 है ना, 49 तो दिशाओं में 49 और 48 दिशाओं में 48 कितने हो गए दिशा और विदिशा के मिलाकर? 188 188 नहीं सॉरी 388 होंगे कि नहीं आई सर, जोड़ना फिर लगाना घर पे जाके। हो जाएंगे। फिर उसके बाद अपन सेकंड फ्लोर पे गए तो क्या होगा? एक एक बिल घटता जाएगा। जैसे पहले पटल मतलब पहले पाथड़े में 388 तो दूसरे में चारों दिशाओं में एक घट जाएगा और चारों विदिशाओं में एक घट जाएगा तो 388 से कितने कम हो जाएंगे? 8 कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 380। फिर तीसरे में जाएंगे तो 8 कम हो जाएंगे, 380 के 372 हो जाएंगे, ऐसे 8-8 घटते जाएंगे। तो आखिरी का जो पटल है उसमें क्या है? विदिशाओं के सब गायब हो जाएंगे क्योंकि विदिशाओं में 48 ही थे और दिशाओं में 49 थे, तो 49वें पटल में दिशाओं में रह जाएंगे 4 और विदिशाओं में कितने रह जाएंगे? 0। तो इसलिए 4 दिशाओं के और एक मध्य का, ऐसे कुल कितने बिल मिलेंगे सातवें में? 5। नहीं आई समझ में? वो फिर प्रकीर्णक है ना, प्रकीर्णक को छोड़ दो, अभी अपन केवल किन की बात कर रहे हैं? इंद्रक और श्रेणीबद्ध की। सातवें में ना कोई प्रकीर्णक है ना कोई विदिशाओं की श्रेणीबद्ध है,
सातवें में केवल दिशाओं में और मध्य में, चार दिशा और एक बीच का, जैसे पांच ही बिल है। और छठे में कितने बिल है, छठे के कितने पटल है, तीन। तो जो सबसे तीसरा पटल है उसमें दिशाओं के और विदिशाओं के मिला के कितने हो गए, दिशा विदिशा और इंद्रक बिल कितने हो गए, छठे नरक के तीसरे पटल में दिशा और विदिशाओं के मिला के, दिशा विदिशा और इंद्रक के मिला के कितने बिल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तेरह होंगे, तेरह, क्योंकि दिशाओं के भी घटेंगे ना, आठ आठ घटाने, तेरह के बाद पांच आएंगे ना, हर एक एक पटल पे क्या हो रहा है, आठ आठ घट रहे हैं, चार दिशाओं के घटाने, चार दिशाओं के घटाने, तो विदिशाओं के तो अपन ने घटा दिए, और दिशाओं के दो होंगे तब तो अंत के पटल में दिशाओं में एक एक रहेगा, तेरह है भाई, दिशाओं में तो दो दो थे और एक पटल नीचे जाएगा, चारों दिशाओं एक एक पटल, एक एक पटल नीचे जाएंगे तो दिशाओं का भी एक एक बिल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और विदिशाओं का भी कम हो जाएगा। तो विदिशा में चार थे और दिशाओं में दो दो थे, तो वो विदिशाओं के चार जो है वो कम कर दिया, एक एक कम कर दिया, तो चारों विदिशाओं के गायब हो गए, एक भी पटल नहीं रहा, और दिशाओं के दो दो थे तो दो दो में से एक कम कर दिया तो एक एक बच गया, इसलिए चार दिशाओं के चार बच गए, एक इंद्रक बच गया, इसलिए नौ थे, तेरह, तेरह के कितने बच गए, पांच। ऐसे छठे के, छठे के दूसरे पटल में कितने मिलेंगे बिल, इक्कीस, सीधा सीधा हिसाब। और पहले में, छठे के पहले पटल में उनतीस, ऐसे सैतीस, आठ बढ़ पैतालीस, त्रेपन, ऐसे बढ़ाते जाओ, पहले में कितने मिल जाएंगे, तीन सौ इक्यासी, ऐसे कर लेना घर। तो ये तो केवल इंद्रक और श्रेणीबद्ध की बात है, बाकी जो बीच बीच में फैले हुए हैं वो बहुत है और उनसे लाखों की संख्या बनती है, क्योंकि इंद्रक और श्रेणीबद्ध को देखो, इंद्रक तो उनचास पटल के उनचास ही बनेंगे और श्रेणीबद्ध भी 400 × 49 भी कर लो, समझ लो 400 × 400 सब में है मोटा मोटा हिसाब, और 400 × 50 पटल, तो 50 × 400 करोगे तो कितना होगा, 50 × 400 कितना होता है, 20,000, 20,000 ही हुए ना, ये तो इंद्रक श्रेणीबद्ध के, तो श्रेणीबद्ध और इंद्रक के मिला के भी 20-21,000 से कुछ ज्यादा ही नहीं है, 20,000 भी पन, मतलब कितनी मैक्सिमम कह रहे हैं, और लाखों के हैं वो सब प्रकृति में मान। देखो आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पूरा कैसा विस्तार है इनका। सातों नरक में कुल बिल 84 लाख है, जिनमें 49 इंद्रक बिल और 2,604 श्रेणीबद्ध बिल है, शेष 83,90,347 प्रकीर्णक बिल है। देखो आ गई ना, इंद्रक बिल तो कितने हैं, अपन ने तो फिर भी 20,000 निकाला थे, 20,000 भी नहीं बन रहा है, क्योंकि 20,000 तो अपन ने सब में 400 मान लिया, सब में 400 नहीं, सब में 8-8 घटते जाएंगे, तो इंद्रक बिल तो कितने बने इनके कुल, केवल 2,604 बस, इतने से ही, शेष 83,90,347 प्रकीर्णक बिल है। 49 इंद्रक बिलों में से प्रथम नरक का पहला इंद्रक 45 लाख योजन विस्तार वाला, क्या पहला जो इंद्रक बिल है, पहले नरक का पहले पहला बिल वो कितना बड़ा है, पूरा 2.5 जितना बड़ा है, 45 लाख योजन विस्तार वाला, जो 2.5 द्वीप के बराबर, उसी के ठीक नीचे है, जितना बड़ा 2.5 द्वीप है ना, उसके ठीक नीचे 45 लाख योजन का ही पहले नरक का पहला इंद्रक बिल है, और नीचे क्रम से घटते घटते सातवें नरक का जो इंद्रक है वो 1 लाख योजन विस्तार वाला है, वो कितने बराबर है, जम्बूद्वीप के बराबर, वो ठीक जम्बूद्वीप के नीचे ही है, जितना बड़ा जम्बूद्वीप है उसके ठीक नीचे सातवें नरक का इंद्रक बिल है, जम्बूद्वीप जितना बड़ा, और पहले नरक का जो इंद्रक बिल है वो पूरे 2.5 द्वीप जितना बड़ा, और 2.5 द्वीप के नीचे
सभी इंद्रक संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, सभी श्रेणीबद्ध संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, और प्रकीर्णकों में से कुछ संख्यात योजन विस्तार वाले हैं और कुछ असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। और ये एक नियम याद रखना, जिनका विस्तार संख्यात योजनों का है उनमें संख्यात नारकी है, और जिनका विस्तार असंख्यात योजन का है उनमें असंख्यात, बाकी चर्चा बाद में।